वेलकम टू जय ओम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग जेई नीट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे प्रैक्टिकली आती है। उसके बाद नीट और जेई में इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप सही तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट और कौन से अप्रोच लगाने हैं ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके, और उसके बाद आप घर पे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट्स हो तो नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सबसे पहले हमें समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये कंसेप्ट कहां पे आता है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास दो गाड़ियां हैं, ये गाड़ी अगर सपोज करिए हम चला रहे हैं, तो हमें एक एक्सपीरियंस हम सबने किया होगा कि जब ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी को ओवरटेक करती है, तब इसमें बैठे पैसेंजर या ड्राइवर इसको आराम से देख सकते हैं। ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया है बस के अंदर, जब हम बस के अंदर होते हैं, जब हम बैठे हुए होते हैं और सामने दूसरी बस चल रही है और वो हमें ओवरटेक कर रही है। मान लीजिए हमारी स्पीड 80 है और उसकी स्पीड 82 या 85 है जो हमें ओवरटेक करके निकल रही, तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि वो, हम जब उसे देख रहे तो वो बहुत धीरे से चल रही है जब सेम डायरेक्शन होती है। इसके सामने अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तब तो ऑपोजिट होती है तो हमारी बस और दूसरी बस जो है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो एकदम स्पीड में निकल जाती है। मान लो ये जो हो रहा है कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है हम लोग सिंगल फ्रेम में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इससे बेसिक्स, ये जो भी मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल लेके जो कंसेप्ट बताया, बस का एग्जांपल लेके, वो कंसेप्ट धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे और समझते जाएंगे, और इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन तो धीरे धीरे स्पीड लगती है, आराम से हम उसको देख भी सकते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हमें बहुत ही फास्ट स्पीड लगती है और हम वहां पे देख नहीं सकते, आराम से दिखता नहीं, बहुत ही फास्ट एकदम स्पीड में निकल जाती है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी समझने से पहले हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट समझनी चाहिए। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट समझना है तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, और ये डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, या कोई भी आप एक्सिस मान सकते हो। सपोज हम एक व्हीकल है वी ए, ए व्हीकल है और दूसरा व्हीकल है बी, इसके यहां से ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन है एक्स ए जीरो। जीरो का मतलब है ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे। ओके, अब बी की जो पोजीशन है वो सपोज कर लीजिए एक्स बी नॉट और एक्स डी जीरो है। क्लियर है ना, एकदम इजी लॉजिक है कि भाई ये इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, एक्स ए जीरो डिस्टेंस पे और ये एक्स बी जीरो, ये सिंपल आपको पता चल चुका है। अब टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे ही, ओके, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे ही ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करके कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते हैं विथ वी ए एंड वी बी स्पीड। जैसे ही ये दोनों गाड़ी अपना मोशन स्टार्ट करती हैं, तो थोड़ी धीरे 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 ये आगे बढ़ जाती है।
VA और VB सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये बड़ा ये छोटा कुछ भी हो सकता है। हम अभी कुछ मानते नहीं हैं, सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। बट हाँ, एक चीज यहाँ पे हम मान रहे हैं कि VA एंड VB कांस्टेंट है। आगे देखेंगे इसके केसेस अलग अलग। अब सपोज कर लीजिए, थोड़े समय के बाद आफ्टर टाइम टी, ये दोनों की जो पहली पोजीशन थी क्या वही रहेगी या आगे बढ़ चुके होंगे और पोजीशन क्या हो गई होगी, चेंज हो गई। तो मान लीजिए जो ए है, व्हीकल ए है, वो यहां पे आ चुका है और व्हीकल बी है वो यहां पे आ चुका है। अब टी टाइम पे इनकी जब हम पोजीशन लिख रहे हैं तो ये लिख रहा हूं मैं एक्स ए की पोजीशन एट टाइम टी और यहां पे लिखा जाएगा बी की पोजीशन टाइम टी पे। ओके, तो अब जो नई पोजीशन है एक्स बी टी एंड एक्स ए टी, वो किस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं। उसके लिए ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है जो एक्स ए नॉट है, पर टी टाइम में जो ए व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो आप सबको पता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना है, जीरो से टी। ओके, तो टी टाइम लिया है तो बी ए इनटू टी हो गया। सिमिलरली बी के लिए ये वैल्यू हो जाएगी बी बी टी। ओके, तो ए ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ए टी। बी ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी बी टी। ओके, तो आफ्टर टाइम टी इनकी जो पोजीशंस हो जाएंगी ए की और बी की, जो नई पोजीशंस आएंगी वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले कितनी थी ए की, तो के एक्स ए नॉट, ओके जीरो, एक्स ए एट जीरो टाइम। और टी टाइम के अंदर ए ने कितना मोशन किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वी ए टी। तो यहां पे हम कर देंगे प्लस वी ए टी। इसके बाद बी के लिए लिखना है तो सिमिलरली बी का भी इनिशियल डिस्टेंस था एक्स बी जीरो और पोजीशन भी एक्स बी जीरो, प्लस जो बी है उसने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी बी टी। तो ये दोनों की पोजीशंस हो गई एट टाइम टी। अब आप एक एक्सपीरियंस करोगे, तो जैसे कि ये गाड़ी एक है और ये गाड़ी दो है, गाड़ी एक, ये गाड़ी एक है और ये गाड़ी दो, ए और बी। आप कोई भी इसको ए मान लीजिए, ये बी है। अब ये इनिशियली यहां पे सेट है जीरो। ओके, जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया मोशन, तो इनकी जो रिलेटिव जो डिस्टेंस है इनके बीच का भी आपको जो दिख रहा है, मान लो ये स्पीड में चलता है तो थोड़े टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो नया डिस्टेंस आया वो कितना। ओके, अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब हम देखेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको किसकी देखनी है, आप किसकी ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहां पे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं बी की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब किसी की डिस्प्लेसमेंट आप डिसाइड कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू किसी के तो करना पड़ेगा। तो यहां पे हम विथ रिस्पेक्ट किसको लेने वाले हैं, ए को। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आपको पता है जब आप रिस्पेक्ट में लिखते हैं, रिस्पेक्टिव किसी को लेते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करना रहता है। तो एक्स बी टी में से किसको रिस्पेक्ट लिया जा रहा है, ए को, तो बी माइनस ए होगा। अगर इसका उल्टा होता, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते तो ए माइनस बी होता। तो अभी हमारा बी क्या है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करेंगे, बी माइनस ए। अगर a विथ रिस्पेक्ट टू b होता तो a माइनस बी का। तो यहां पे हम करेंगे b माइनस ए,
अब जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो b में से a सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल है, पहले ये दो टर्म सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ओके, एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, और उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे t कॉमन निकलेगा, और जब t कॉमन निकलेगा तो बचेगा सिर्फ b और a, तो यहां पे लिखा जाएगा बी बी माइनस बी ए इंटू टी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इक्वेशन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं रखना है, इक्वेशन याद भी रखना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस प्लस रिलेटिव डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस प्लस रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल इन टी टाइम, ओके। तो यहां पे हम इसको बता देंगे, तो ये हो गया आपका इनिशियल डिस्टेंस, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, तो वही एग्जांपल हम रिपीट करते हैं। भाई ये इनिशियल डिस्टेंस मान लीजिए इनके बीच का 50 मीटर है, तो इसको बोलते हैं एक्स बी नॉट माइनस एक्स के नॉट, यानी टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस, ओके। फिर ये ट्रैवल करते हैं तो आगे ये डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज और सेम भी रह सकता है, और यहीं पे हमें ये क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी दिखती है, VB माइनस VA। ये VB माइनस VA को बोला गया है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बोला गया है इसको, रिलेटिव वेलोसिटी, VB माइनस VA इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। If you want to find out relative velocity of A with respect to B, then we have to write VA minus VB. तो क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये एक ही कंसेप्ट में दोनों चीजें कवर हो गई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, बिल्कुल पक्का करना है। तो यहां पे अब दूसरा एक और तरीका है, इसको हम निकाल सकते हैं, जैसे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखे इसी तरह से, इसी, अब डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम यहां पे इसके हिसाब से बी की ए के रिस्पेक्ट में बी बी माइनस बी ए लिख रहे हैं, बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी बी माइनस बी ए। अब यही इक्वेशन आप या तो इस तरह से समझिए, या तो एक और मेथड में आपको यहां पे बता देता हूं। ये मेथड सिंपल है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखा जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। मैं टी नहीं लिख रहा हूं, टी टाइम में नहीं लिख रहा हूं, या आप लिख सकते हो इस तरह से, ओके। इसको डिफरेंशिएट किए टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी, हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है और वेलोसिटी आपको चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा डी एक्स बी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, ओके। अब यहां पे आपको पता है डी एक्स बाई डी टी क्या बोलते हैं हम इसको, चैप्टर नंबर 3 सेम नंबर 1 जिसमें हमने देखा हुआ है कि डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट यहां पे ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए डी एक्स बी बाई डी टी वी बी डी एक्स ए बाई डी टी ई ए। तो ये एक और दूसरी मेथड है जिससे आप रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो आप सोचोगे सर यहां पे ये पूरी मेथड क्यों की, तो बेटा ये कंसेप्ट है, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ये कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार इसी से जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। इस मेथड में इसकी कोई भी डिस्कशन आपको नहीं दिख रही है, ना ही इसी की कोई डिस्कशन दिख रही है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे होता है, कई बार आ चुका है, इसीलिए ये कंसेप्ट बताया गया, इसको पक्का कर लीजिए, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और ये रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल पक्का कर लीजिए। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये हो जाता है
अगर b की a के रिस्पेक्ट में ये है तो a की b के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो उसको हम बोलेंगे vab, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो इसको लिखा जाएगा va माइनस vb, va माइनस vb, समझ में आ गया। तो ये आपका va माइनस vb हो गया और ये vb माइनस va हो गया। अच्छा, आप एक और चीज यहां पे लिख सकते हो, देखिए और समझिए, इसी से मैं आपको बता देता हूं। आप इन दोनों में से माइनस को बाहर निकालिए, तो आप जानते हैं जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी vb इज पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो चुका है, vb माइनस va वो तो क्या हो जाएगा vba, तो इज इक्वल्स टू आगे माइनस है और यहां पे vba। तो आपको कुछ कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ की झलक यहां पे दिखेगी कि vab इज इक्वल्स टू माइनस vba। तो ये भी एक कंसेप्ट आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूं, अभी यहीं पे अभी समझाया जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेना। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, ये ए जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये जो गाड़ी बी है ये चल रही है वी बी विथ 8 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो ये दोनों मोशन में हैं, ये साथ हैं या अलग अलग जगह पे हैं ऐसा कुछ हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं, जस्ट हम फोकस कर रहे हैं इन दोनों पे क्योंकि स्पीड इतनी इतनी इनकी है। अब मैं आपसे पूछूं वी बी ए इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको इक्वेशन जैसे याद ही है पता ही है, बी में से एक वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 - 5 हमारा आंसर आ जाएगा 3, 8 - 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, तो आंसर है 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है ये बताइए और समझिए कंसेप्ट, देखिए ये 5 से तो चल ही रहा है, बी वाला 8 से चल रहा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ए वाला बी वाला ए के रिस्पेक्ट में कितने ज्यादा से चल रहे हैं 3, समझ में आया, क्लियर है ना। तो 5 हटा दो बचेगा 3, तो 3 से ज्यादा फास्ट चल रहा है। अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि बी की स्पीड ए से 3 ज्यादा है, 3 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। बट अगर मैं पूछूं ये एग्जांपल वी ए बी, तो वी ए बी क्या होगा आपका वी ए माइनस वी बी, वी ए है आपका 5, वी बी है आपका 8, 5 - 8 क्या होगा -3, 5 - 8 - 3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए बी के रिस्पेक्ट में 3 जितनी स्पीड कम से चल रहा है, यानी बी ए के रिस्पेक्ट में 3 से ज्यादा चल रहा है और ए बी के रिस्पेक्ट में 3 स्पीड मीटर पर सेकंड से कम चल रहा है, धीरे चल रहा है, क्लियर है। तो अब यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए बी बी ए आपका आया 3, बी ए बी आया -3, तो ये प्रूव हो गया कि बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी बी, कोई डाउट इसमें। तो ये हमारा इक्वेशन आपको याद रखना, इसका कंसेप्ट बिल्कुल पक्का कर लीजिए, एकदम इजी कंसेप्ट है।